केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मणिपुर पर राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि मणिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग है, खंडित न था, न है, न कभी होगा। महोदय, शायद अपने ही कोलाहल में सुन ना पाए, मणिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग है, खंडित न था, न है, न कभी होगा। इनके यूपीए के अलायंस के एक नेता ने तमिलनाडु में एक वक्तव्य दिया है, पुनः कहती हूं कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत। मैं आज गांधी खानदान से, कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, क्या भारत केवल उत्तर भारत है? अगर दम है तो अपने पार्टनर को मुंह तोड़ जवाब दे, अगर हिंदुस्तान में आस्था रखते हैं। महोदय, शायद अपने ही कोलाहल में सुन ना पाए, मणिपुर हमारे देश। तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कश्मीर का जिक्र करके कांग्रेस को घेरा और दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप भी लगाया। इस मुद्दे पर स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। इन्होंने धारा 370 साफ की, ये चेहरा धूमिल है, ये चेहरा धूमिल है। मैं बताऊं किसका चेहरा है, मैं बताऊं किसका चेहरा है। अध्यक्ष महोदय, ये चेहरा है गिरिजा टिक्कू का। सुन लीजिए पंडितों की दास्तान आप भी। गिरिजा टिक्कू का यह चित्र है। 90 के दशक में एक महिला यूनिवर्सिटी में अपना पेचेक लेने जाती है। सारी बातें करूं, अपना पेचेक लेने जाती है, बस से घर लौटने का प्रयास करती है। उसको 5 मर्द बस से खींचकर टैक्सी में ले जाते हैं, बलात्कार करते हैं और फिर आरी से उसका बदन काट देते हैं। जब गिरिजा टिक्कू के जीवन पर एक फिल्म में एक प्रति आया, मैं आज कहना चाहती हूं कि कांग्रेस के कुछ प्रवक्ताओं ने उसको प्रोपेगेंडा कहा। सरला भट्ट, आप नहीं चाहते कश्मीरी पंडितों की दास्तान कहीं सुनाई जाए, आप नहीं चाहते वो आइडेंटिफाई हो एज विक्टिम्स। सरला भट्ट मेडिकल स्टाफ थी, 90 के दशक में उसको उसके इंस्टीट्यूट से अगवा करके गैंगरेप किया गया और सड़क के किनारे रखा गया। आज मैं पूछना चाहती हूं कि एक तरफ इनकी अलायंस के लोग हिंदुस्तान को विभाजित करने की बात करते हैं, ये आज अपने आप को इंसाफ के पुजारी बताते हैं, लेकिन मुझे बताइए गिरिजा टिक्कू सरला। तो वहीं बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के आरोपों पर करारा जवाब दिया है। स्मृति ईरानी ने सदन में बोलते हुए कहा कि आप भारत नहीं हैं, क्योंकि भारत भ्रष्ट नहीं है, भारत वंशवाद में नहीं योग्यता में विश्वास करता है। और आज आप जैसे लोगों को ये याद रखने की जरूरत है कि अंग्रेजों से क्या कहा गया था, भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, वंशवाद भारत छोड़ो, और योग्यता को अब भारत में जगह मिली है। विशेषता विपक्ष मेरे वक्तव्य को सुनने का धैर्य रखे तो बहुत सारी चीजें उजागर हो सकती हैं। यू आर नॉट इंडिया, फॉर इंडिया इज नॉट करप्ट, इंडिया बिलीव्स इन मेरिट एंड नॉट डायनेस्टी, एंड टुडे ऑफ ऑल द डेज पीपल लाइक यू नीड टू रिमेंबर व्हाट वाज टोल्ड टू द ब्रिटिश, क्विट इंडिया, करप्शन क्विट इंडिया, डायनेस्टी क्विट इंडिया, मेरिट नाउ फाइंड्स प्लेस इन इंडिया। अध्यक्ष, तो वहीं बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने विपक्षी दलों पर प्रहार किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि परिवारवाद आदतन अलोकतांत्रिक और गैर जिम्मेदार होता है। तो फैमिली रूल
is inherently undemocratic and irresponsible. परिवारवाद आदतन अलोकतांत्रिक और गैर जिम्मेवार होता है, ये बात मैं कहना चाहता हूं। भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण पर मैं आता हूं। ये जो इंडिया अलायंस है इसको घमंडिया कहा गया है एंड दे फुल्ली डिजर्व इट। घमंडिया अलायंस, जब परिवारवाद की पार्टियां जुटती हैं तो क्या अहंकार आता है, मैं उसकी बात कहना चाहता हूं। सरदार पटेल देश के इतने बड़े नेता थे, उनकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगी है गुजरात में, करोड़ों लोग आते हैं देखने के लिए, हम भी जाते हैं तो हमेशा। आज तक कांग्रेस की अध्यक्षा तो वही। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद के विजयनगर थाना इलाके के एक निर्माणाधीन सोसाइटी में करीब आधा दर्जन चोरों ने घुसकर चोरी करने की कोशिश की, जिसका मौके पर तैनात गार्ड ने विरोध किया, जिसके बाद गार्ड और चोरों के बीच फायरिंग शुरू हो गई। गोलीबारी में एक चोर की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का है, जहां गोली लगने से चोर की मौत हो गई। बता दें कि यहां चोर चोरी करने के लिए पहुंचे थे एक सोसाइटी में, जिसके बाद सोसाइटी के गार्ड और चोरों के बीच नोकझोंक हुई, उस बीच फायरिंग भी शुरू हो गई। तो वहीं गोली लगने से एक चोर की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची। मौके पर पहुंचकर पुलिस इस पूरी घटना को लेकर छानबीन कर रही है। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश गाजियाबाद का है, जहां गार्ड और चोरों के बीच जमकर फायरिंग हुई, जिसमें से एक चोर की मौत हो गई। तो वहीं इस पूरी घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। तो वहीं फिरोजाबाद में एक महिला की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि महिला बच्चों को पढ़ाकर घर जा रही थी, इसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने महिला पर हमला कर दिया और चाकू से गोदकर हत्या कर दी। मौके पर मिले साक्ष्यों के आधार पर लगता है कि हत्या करने से पहले महिला का बदमाशों से जमकर संघर्ष हुआ था। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने महिला के मुंह पर कपड़ा ठूस दिया और चाकू से उसके हाथ और मुंह पर हमला कर दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार करने के लिए 3 टीमों का गठन कर दिया है। ये मामला उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का बताया जा रहा है, जहाँ बच्चों को पढ़ाकर लौट रही महिला पर बदमाशों ने हमला कर दिया और बदमाशों पर चाकू से हमला करने के बाद महिला की हत्या कर दी गई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस ने 3 टीमों का गठन कर दिया है। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का है, जिसमें पुलिस अब छानबीन करती हुई नजर आ रही है। महिला की बदमाशों ने बेरहमी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि महिला बच्चों को पढ़ाकर अपने घर वापस लौट रही थी, इसी बीच रास्ते में बदमाशों ने महिला को घेर लिया और महिला पर चाकू से वार कर दिया, जिसके बाद महिला की मौत हो गई। देखिए, आज थाना जसराना को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला जो नगला कीर्तन आंगनबाड़ी केंद्र से अपने गांव नगला मानसिंह जा रही थी, रास्ते में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा प्राणघातक हमला कर दिया गया है, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर थाना पुलिस तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पहुंचे, मौका गहनता से निरीक्षण किया गया है। साथ ही साथ घटना के संबंध में सभी पहलुओं पर गहनता से छानबीन की जा रही है। टीमों का गठन कर दिया गया है, शीघ्र ही घटना का खुलासा किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर बदायूं से है, जहां बदायूं में एक शख्स प्लॉट बैनामा कराने रजिस्ट्री ऑफिस आया था। उनकी पीठ पर लदे बैग में 2,90,000 रुपये थे। जब वो रजिस्ट्री ऑफिस में बैनामा कराने के लिए खड़ा था, उसी समय एक चोर ने उनके बैग की चेन खोलकर 2,90,000 रुपये लेकर फरार हो गए। चोरी की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित शख्स ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। ये मामला बदायूं का बताया जा रहा है, जहां एक जमीन का बैनामा कराने के लिए एक व्यक्ति अपने बैग में पैसे लेकर खड़ा था, जिसके बाद पैसे लूटकर एक चोर फरार हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो वहीं इस पूरी घटना के बाद पीड़ित ने मामला दर्ज कराया है। शिकायत के बाद पुलिस इस मामले को लेकर छानबीन कर रही है।
तो वहीं गाजियाबाद के थाना क्रॉसिंग इलाके में NH9 पर EBS सर्किट के पास सब्जी ले आ रहा कैंटर पलट गया। हादसे में ड्राइवर जख्मी हो गया जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के समय कैंटर बरेली से सब्जी लेकर नोएडा जा रहा था। गाड़ी जैसे ही EBS कट के पास पहुंची, चालक को झपकी आ गई और कैंटर सड़क पर पलट गया। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का है, जहां एक बड़ा हादसा हो गया। सब्जी ले जा रहे कैंटर के ड्राइवर को नींद आई, उसकी वजह से कैंटर सड़क पर पलट गया। बरेली से नोएडा जा रही थी गाड़ी, उसी बीच कैंटर को नींद आने की वजह से उसकी गाड़ी सड़क पर पलट गई। इस गाड़ी में सब्जियां भरी हुई थी। हादसे में चालक घायल भी हो गया है। ये बरेली से आ रही थी गाड़ी। अच्छा, और ड्राइवर पता नहीं टोल आ गया तो इसने कट मारा था। गाड़ी सब्जी थी। अच्छा, कहाँ जा रही थी? ये नोएडा सेक्टर 8। जा रही थी। कितने बजे की बात? सुबह 4:30। क्या स्थिति है ड्राइवर की? ड्राइवर साहब हॉस्पिटल में छोड़ लाए हैं, दवाई पट्टी करवाई। अगली खबर कानपुर से सामने आ रही है, जहां थाना उघेती क्षेत्र के गांव निवासी रविंद्र के घर से रिश्तेदार अपने घर जा रहे थे, तभी कोतवाली बिलसी नरेनी चौराहे पर सरह बरौलिया के बीच नीलैंड गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शव का पोस्टमार्टम कराया। वहीं मृतक की मौत से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। खबर यूपी के बदायूं से सामने आई है, जहां 32 वर्षीय युवक की जेल में तबियत बिगड़ने से मौत हो गई। बता दें कि आरोपी की पत्नी ने 3 महीने पहले फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद पत्नी के परिजनों ने ससुरालीजनों पर आरोप लगाते हुए आरोपी मृतका के पति पर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मृतका के पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं जेल में आरोपी पति की अचानक तबियत खराब हुई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। यूपी के मुजफ्फरनगर में नहर में बच्चों के नहाने को लेकर खूनी संघर्ष हो गया, जिसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें दोनों पक्षों से कई लोग घायल हो गए। तो वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर अपनी आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां जनपद के सैयदराजा थाना क्षेत्र में कॉलेज के निर्माण कार्य हो रहा था, जिसमें एक मजदूर की मलबे में दबकर मौत हो गई, जिसके बाद घटनास्थल पर हड़कंप मच गया। वहीं हादसे में दूसरा मजदूर घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि हादसे के बाद मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों समेत पुलिस टीम ने पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इसके साथ साथ ही कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिकारियों ने मृत मजदूर के परिजनों को 10 लाख रुपये देने की घोषणा की है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।